हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। तो इसको हमने इनिशिएशन फेस एंड एग्जीक्यूशन फेस में डिवाइड किया हुआ है। तो देर आर टू फेजेस, फर्स्ट इज द इनिशिएशन फेस एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूशन फेस। इनिशिएशन फेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड परफोरिन पाथवे। तो इसके तीन पाथवे से इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड परफोरिन। परफोरिन इज बेसिकली फॉर वायरल और ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल्स। सो विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे इज ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। ठीक है, दोनों जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं, दोनों में ही कैसपेस का एक्टिवेशन हो जाता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली एक्टिवेशन होता है कैसपेसिस 9 का। ठीक है, ये रिजल्ट होता है ड्यू टू लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी इनटू द साइटोप्लाज्म। इट इज़ बेसिकली जो साइटोक्रोम सी है, ये एक इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है। नॉर्मली इसका लीकेज नहीं होता है, बट इन अपोप्टोसिस देयर इज लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच रिजल्ट्स इन प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। अब ये जो साइटोक्रोम जो सी है, इसका रिलीज कौन कंट्रोल करता है? बैलेंस बिटवीन प्रो एंड एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स। अब ऑब्वियसली प्रो वर्ड है, तो प्रो इज मीन्स फेवर करना, एंटी इज टू इनहिबिट। तो प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स विल फेवर अपोप्टोसिस, वेयर इज एंटी विल इनहिबिट। ये कौन सी फैमिली में आ जाते हैं? BCL फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। जो एंटी अपोप्टोटिक है, दे आर BCL2 एंड BCL-XL। BCL2 एंड BCL-XL दे कंट्रोल दी माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी एंड प्रिवेंट लीकेज। ठीक है, जो एंटी है वो ऑब्वियसली इनहिबिट करेगा अपोप्टोसिस को, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को कंट्रोल करेगा एंड प्रिवेंट करेगा लीकेज। अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं। नॉर्मली जो वायबल सेल होता है हमारा, जो ठीक सेल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो ठीक क्यों है? क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल या ग्रोथ फैक्टर्स, इनको ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो जब इनको ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो क्या होगा? देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। अब एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स कौन से हैं? BCL2 एंड BCL-XL। तो जब ये प्रेजेंट होंगे, तो देयर विल बी नो लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी एंड नो प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। तो दिस इज इन कंडीशन ऑफ अ वायबल सेल। अब चलिए बात करते हैं डैमेज सेल में। ठीक है, अब डैमेज सेल, या तो ओल्ड सेल या डैमेज सेल, तो इसमें क्या होगा? लैक ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स, मतलब वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई सेल जिसका रेडिएशन से डीएनए डैमेज हो गया है, तो इसमें क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ सेंसर्स, एक्टिवेशन ऑफ प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो फेवर करती हैं, जैसे कि बैक्स और बैक चैनल्स। ठीक है, बैक्स एंड बैक। अब क्या होगा? लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी, एक्टिवेशन ऑफ कैसपेसिस 9 एंड इट विल लीड टू द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। अब इसमें एक चीज़ याद करने वाली है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है, उसमें हमेशा कैसपेसिस 9 एक्टिवेट होता है। ठीक है, दोनों में ही कैसपेसिस हैं, बट इंट्रिंसिक में कैसपेस 9 है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक में है कैसपेस 8, इसको हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक में है कैसपेस 9, एक्सट्रिंसिक में है कैसपेस 8। एक्सट्रिंसिक इज ऑल्सो नोन एज डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब ये क्या है? Whenever there is attachment of a death ligand, जैसे FAS ligand है या TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टू इट्स रिसेप्टर। अब FAS का रिसेप्टर FAS रहेगा, FAS ligand का, TNF का होगा TNFR। तो जब भी देर इज अटैचमेंट ऑफ डेथ ligand टू इट्स रिसेप्टर, इट causes एक्टिवेशन ऑफ कैसपेस। तो इसमें मैंने बता दिया 8 है एक्टिवेशन एक्सट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक में था हमारा 9। FAS ligand, FAS रिसेप्टर एक्टिवेशन, ऑटोलिटिक कैसपेस एक्टिवेशन। नॉर्मली जो कैसपेस होता है, इट इज इनएक्टिव, बट जब भी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा, तो देयर विल बी ऑटोलिटिक कैसपेस एक्टिवेशन। वो किसको करेगा? एग्जीक्यूशनल कैसपेसिस को एक्टिवेट करेगा और अल्टीमेटली प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। तो अब क्लियर हो गया, इंट्रिंसिक में एक्टिवेट होता है कैसपेस 9, एक्सट्रिंसिक में कैसपेस 8। अब ये किसको करेगा? एग्जीक्यूशन पाथवे को स्टिमुलेट करेगा। बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ एग्जीक्यूशनल कैसपेसिस। कौन से? 3 एंड 6। अब है लास्ट पार्ट हमारा, इसको हम समराइज कर सकते हैं। इनिशिएशन फेस, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इनिशिएशन में बता दिया आपको कैसपेस 9 एक्टिवेट होता है, आई फॉर इंट्रिंसिक, ऐसे आई बनाइए और 9 से आप याद कर सकते हैं, यू कैन रिलेट इट। 8 फॉर ई फॉर एक्सट्रिंसिक, 8 इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ई। तो आई इंट्रिंसिक पाथवे में 9, एक्सट्रिंसिक में कैसपेस 8, एक्सिक्यूशन में कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा? कैसपेस 3 एंड 6। तो एक्सिक्यूशनर जब एक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। एंडोन्यूक्लियस जब एक्टिवेट हो जाएगा एंजाइम, तो ये क्या करेगा? डिसअसेंबल, इट विल डिसअसेंबल और ब्रेक डाउन दी साइटोस्केलेटन।
एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज. तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे विच इज अंडर द इनिशिएशन फेज एंड फाइनली एग्जीक्यूशन फेज. तो तीनों में क्या है हमारा कैसपेस का एक्टिवेशन एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज. थैंक यू सो मच.